most beautiful women are the women who carve their own path, जो अपना जरिया, अपना रास्ता, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी निर्भरता से आगे बढ़ती है, अपने कॉन्फिडेंस. There's nothing more attractive and nothing more beautiful than self-respect and self-love. Absolutely, that's well said. And beauty comes in all shapes, all sizes, all age groups. Rightly said. I don't have any other questions to you, but yes, I know that you have a small message for the entire family of AWPN. So I will not hold you any longer, and the mic is and the stage is all yours. मैंने तो काफी बातें ऑलरेडी कर दी हैं. मैं कोई स्पीच नहीं देना चाहती. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि संजीव जी, जब मैंने आपको यहाँ पे खड़े हुए देखा और जिस प्यार से और सम्मान से आपको सारी लेडीज से मिलते हुए देखा और उनकी आंखों में आपके द्वारा आपके प्रति स्नेह और सम्मान देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आप सबको अपने उनके नाम से जानते हैं, आप सबको उनके परिवार से जानते हैं, आप सबको उनकी इंडिविजुअल जर्नी के हिसाब से जानते हैं. ये बहुत बड़ी बात है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो AWPN परिवार है वो ऐसे ही आगे बढ़ते जाए, अपनी जो नारी शक्ति आपने बनाई है और उसकी जो आपको समझ है वो बहुत सारे औरतों को ऐसे ही आत्मनिर्भर बनाते रहें और उनको अपने जो मुकाम हैं उन्हें हासिल करने में प्रेरित करें. और जो हमारी आज AWPN क्वींस हैं, हाथ उठाइए. आप सब क्वींस हैं. आप सबको ढेर सारी बहुत सारा प्यार. मैं उम्मीद करती हूँ कि हम रोजाना जिंदगी में जितने भी हम चॉइसेस करेंगे वो ना सिर्फ हमारे परिवार को बल्कि समाज को भी जोड़ेंगे, सबको आगे ले जाएंगे. मैं एक मुद्दे पर बात करना चाहूँगी. शायद आज आपके साथ किसी ने इस पर बात ना किया हो, लेकिन ये मेरे जिंदगी का मकसद बन गया है और वो इसलिए बना है क्योंकि आई थिंक जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं या ह्यूमन प्रोग्रेस की बात करते हैं, इसके बिना ये हो नहीं पाएगा. आप सब जानते ही होंगे कि मैं पर्यावरण और प्रकृति से बहुत गहरी तरह से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारा इस पर काम करती हूँ. वो इसलिए करती हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 साल में जिस तरह से मनुष्य ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया हुआ है और जिस तरह से पृथ्वी का और पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया है, हमारे जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज. एंड एज वुमेन मुझे लगता है कि हमारा जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफकोर्स हमारे फैमिली के प्रति है, लेकिन जब हम अपने फैमिली के हेल्थ के बारे में इतना केयर करते हैं तो हमें याद ये रखना होगा कि हमें पर्यावरण की जो हेल्थ है उसके बारे में भी ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है वो पर्यावरण से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है. जब हवा प्रदूषित होता है तो हम बीमार होते हैं. जब हमारा जो हमारे खाने पीने का सामान जो हमारा फूड है वो प्रदूषित होता है, तो एंड आई थिंक छोटी छोटी जो चॉइसेस हैं अगर हम रोज़ाना जिंदगी में बना पाएँ तो उससे हम बहुत बहुत अंदर ला सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल शेयर करूँ आपके साथ? Yes, yes. बनाना चाहेंगे? Yes. घर में ये एक पॉलिसी है लेकिन कोई नहीं करता. उम्मीद करती हूँ कि आज जितनी भी यहाँ पे औरतें हैं वो वापस घर जाकर के बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगी वेस्ट मैनेजमेंट. जो गीला कचरा है, किचन का कचरा, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, बेसिकली जो भी धरती से उगता है वो वापस धरती में जा सकता है. और जो सूखा कचरा है जैसे प्लास्टिक, पेपर, कागजी, जो मतलब जो आपका दूसरा सब सामान आता है वो अलग कर दें और जो कॉम्पोस्टेबल है उसे कॉम्पोस्ट करें. ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बहुत ही आसानी से सिखाएंगे कि किस
तरह आप घर पर कचरा अलग कर सकते हैं।